अखिलेश यादव के नजदीकी सपा के फरार विधायक इरफान सोलंकी पर आजम खान की तरह पुलिस का सितंजा कसता जा रहा है। फरार चल रहे नेता के खिलाफ मेडिकल कॉलेज कांड के दौरान स्वरूपनगर थाने में दर्ज सभी मुकदमों की फाइल दोबारा खोलने की तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान के खिलाफ भी कानूनी घेराबंदी आजम खान की तरह होगी। वही अफसरों के एक पैनल इरफान के खिलाफ मेडिकल कॉलेज कांड में दर्ज चार मुकदमों की समीक्षा कर रहा है। अफसरों की माने तो इन चार मुकदमों में साक्ष्य थे, मगर सत्ता के स्वरूप के चलते विधायक को क्लीन चिट दे दी गई। इन केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। मौजूदा समय में कानपुर की सीसमो विधानसभा सीट से विधायक इरफान सोलंकी पर पड़ोसी महिला का घर फूंकने का आरोप है। पूर्व विधायक और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में FIR भी दर्ज है। इसके बाद से दोनों भाई फरार चल रहे हैं। अब जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने शनिवार को इरफान सोलंकी के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में दर्ज सभी मुकदमों की फाइल तलब की है। वहीं पुलिस अफसरों की माने तो 2014 में मेडिकल कॉलेज कांड में दर्ज सभी मुकदमों में विधायक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के बाद भी सत्ता के स्वरूप के चलते मामलों में FIR लगाकर विधायक को क्लीन चिट दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।